हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम जा रहे हैं एग्जीबिशन में, जो है बीकानेर में, क्योंकि हम हैं बीकानेर में। और फटाफट से शूज पहनते हैं और निकलते हैं एग्जीबिशन के लिए। ये चलाएगा गाड़ी, इसके साथ बैठकर जाएंगे और उसके बाद जाएंगे हम साउथ इंडियन फूड खाने और उसके बाद खाएंगे हम आइसक्रीम। तो यार गाइस, अब हम निकल चुके हैं एग्जीबिशन के लिए। ये चला रहा है गाड़ी, तो फटाफट से चलते हैं एग्जीबिशन की तरफ। थोड़ा सा दिखाऊंगा आपको बीकानेर का रास्ता। और यार यहाँ पे इतने खड्डे हैं, इतने खड्डे हैं पूरे जोधपुर में, जोधपुर से लेके बीकानेर तक इतने खड्डे नहीं होंगे इस जगह पर। तो गाइस, हम आ चुके हैं एग्जीबिशन और एग्जीबिशन क्या करने जा रहे हैं। एग्जीबिशन तो गाइस यहाँ पर मिल रहा है कपड़े, 150 के 2, 150 के 2। मजा आया और मैं ये जो मजा है। तो गाइस ये है लगी जो पहनने का, ये तो अभी हम आ चुके हैं झूले वाले सेक्शन में, तो अब हम खाएंगे झूला। तो यार कौन सा खाएगा समझ नहीं आ रहा है, थोड़ी देर में डिसाइड करता हूँ और खाते हैं झूला। फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं ये वाला झूला खाने वाला हूँ, तो खाते हैं झूला। तो गाइस प्लान कैंसिल हो चुका है, हम खाने वाले हैं ये वाला झूला। तो गाइस हम बैठ चुके हैं और झूला स्टार्ट हो चुका है, बहुत ही मजा आने वाला है। तो गाइस अब हम बैठ चुके हैं और झूला स्टार्ट हो चुका है, बहुत ही मजा आने वाला है यार। ये देखिए, वाओ, लगता है लाइट चली गई है, लेकिन लाइट तो आ रही है। तो रोका क्यों है, क्या चाहता है ये। तो गाइस झूला फाइनली स्टार्ट हो चुका है, ये देखिए। ये देखो भीख मांग ले, पीछे पड़ चुका है यार ये भैया, मेरे पीछे मत पड़ यार भैया, ये गाइस पीछे पीछे आ रहे हैं हमारे। सो गाइस अब हम एग्जीबिशन से निकल चुके हैं, हम जा रहे हैं डोसा खाने। गाइस अभी हम आ चुके हैं जोशी आइसक्रीम, या पहले रास्ते में ही आ गया, तो अब हम यहाँ पर ही खाएंगे, उसके बाद चलेंगे हम डोसा खाने और इडली खाने। हमारा ऑर्डर आ चुका है, ख़त्म करते हैं फिर चलते हैं डोसा खाने। गाइस अब हम आ चुके हैं डोसा खाने, हम किसी रेस्टोरेंट पे नहीं, हम किसी ठेले पर आए हैं। ये रेस्टोरेंट से भी बहुत अच्छा डोसा देते हैं, सी विनायक मसाला डोसा। गाइस अभी डोसे की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है, हमने लिया एक मसाला डोसा और इडली। तो गाइस इसे रखते रहे। तो गाइस अभी हमारा आ चुका है इडली, एक सांभर वड़ा, ये दाल है और ये वाइट चटनी नारियल की और ये लाल चटनी है। तो इसको खा के टेस्ट करते हैं, उसके बाद डोसा खाते हैं। तो गाइस हमारा आ चुका है डोसा, दो डोसे ये पीस आए हैं, इसके साथ दाल चटनी और ये सब आया है, उसको खाते हैं और चलते हैं हम घर। गाइस हम आ चुके हैं पारिक पान, ये भैया है पान वाले। भैया कौन कौन से पान लगाते हो? फायर पान है, चॉकलेट पान है, बारीक स्पेशल है। बारीक स्पेशल है, ठीक है, नॉर्थन के माम वाला है। एक फायर पान लगा के बता दो। बहुत ही बढ़िया फायर पान था इनका, बारीक फायर पान। अगर आप बीकानेर रहें तो यहाँ का बारीक फायर पान जरूर खाएं।
मैं नंबर जो है इनका डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप अंकल को कांटेक्ट करके एड्रेस पूछ सकते हैं। तो गाइज अब हम निकल चुके हैं, सुबह 6 बज चुके हैं, हम अब कहीं जा रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे कहाँ जा रहे हैं। यार ये देखिए, अभी आप मानेंगे नहीं, 27 फरवरी और इतनी सर्दी में हम बाहर जा रहे हैं। तो मैंने जोधपुर में 10 दिन से स्वेटर नहीं पहना था और यहाँ टोपी मास्क ये सब पहनना पड़ रहा है, इतनी सर्दी है यहाँ पे। तो चलिए हम आगे को सफ़र को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज अभी हम यहाँ पर म्यूजियम के अंदर आ चुके हैं और एक भाभी छोट हो गई है हमारे साथ, हमें ध्यान नहीं रहा, संडे है तो आज म्यूजियम जो है बंद है। तो अब हम जा रहे हैं गार्डन म्यूजियम के लिए। मैं सुबह 6:30 बजे उठा यार इतनी सर्दी में और म्यूजियम बंद हो गया। तो गाइस अभी हम एडवेंचर कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ा सा एडवेंचर करके मूवमेंट में कहीं। सो गाइज अभी हम थोड़ा इस एडवेंचर के यहाँ से चढ़ चढ़ के थोड़ा हाइट पे आ चुके हैं, बहुत डर लगा था थोड़ा सा। हट रहे सो गाइज अभी हम ये वाला राइड करने वाले हैं, रेस करने वाले हैं, ये लटक के बंदरों की तरह वहां तक जो पहले पहुंचेगा वो जीत जाएगा, ठीक है। और रेस के स्टार्ट करते हैं 3, 2, 1 गो। पहले कूद गया, डंडे पकड़ के कूद गया। सो गाइस अब हम इधर ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, हमारा बीकानेर का थोड़ा सा सफर इतना ही था, अब हम निकलेंगे बाहर के लिए, ठीक है। अब हमारा जो प्लान था कैमल फार्म जाने का वो कैंसिल हो चुका है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन कोई ना, नेक्स्ट टाइम जब बीकानेर आएंगे तो उधर ज़रूर चलेंगे। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए मेरे आने वाले वीडियोज़ के लिए। शुक्रिया आपकी मेरी वीडियो पर बने रहने के लिए, थैंक यू।